फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर ये उसी दिन शाम के टाइम का वीडियो है और मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, तो सॉरी फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आई हूँ चाय और धूप में बैठ के मैं चाय पीऊँगी और मूँगफली खाऊँगी। मुझे ना बहुत टेस्टी लगती हैं चाय और मूँगफली, लेकिन मम्मी इसके लिए मुझे गुस्सा करती हैं क्योंकि ये गर्म होती है मूँगफली और चाय भी गर्म होती है, तो इस तरह से खानी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो कभी कभार ले लेती हूँ। और जब मैं ऊपर आती हूँ तो शिवी भी साथ में आ जाती है, इसका भी थोड़ा घूमने का मन होता है, तो बस यहाँ पर ये घूम रहे हैं। और इसका ना ये होता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ना ऊपर आऊँ तो ये बोलती है मम्मी ऊपर चलो ऊपर चलो, इसका मन नहीं लगता है, थोड़ी देर ऊपर इसको घुमा के आना पड़ता है। फिर ऊपर बैठे बैठे काफ़ी शाम हो गई थी और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप सबको अपना अमरूद का पेड़। इस पर आते हैं 12 महीने का काम है, यहाँ पर अमरूद आते रहते हैं, चाहे छोटे आए कैसे भी आए, मतलब आते हैं ज़रूर। और काफ़ी मीठे भी लगते हैं इसके पेड़ के अमरूद। बस ऊपर की हवा खा के मैं आ गई थी, क्योंकि हवा ही बोलूँगी क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चली हुई थी। धूप तो हल्की फुल्की सी थी लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। और यहाँ पर मैं ये जो कपड़े मैंने आज सुखाए थे धोकर वो मैं उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ से धूप पूरी तरह से जा चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ से एक एक करके सारे कपड़े अंदर डाल लिए हैं, उनकी तह करूँगी, प्रेस करूँगी अगर टाइम लगा तो, नहीं तो फिर मैं रात में करूँगी या फिर अगली सुबह, जैसे भी ठीक होगा। वैसे तो तह वगैरह कपड़ों की तह करना तो मम्मी ही कर देती हैं। मतलब दोनों का ही है हमारा, कभी मम्मी कर लेती है कभी मैं कर लेती हूँ। और प्रेस करते करते मैं गाजर भी खा रही हूँ। और प्रेस के सारे कपड़े करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी आटा बनाने के लिए शाम के टाइम का, क्योंकि आटे को थोड़ी देर बना के रख दो तो ठीक रहता है, उसकी जो कणी होती है वो सारी वो हो जाती है, मर जाती हैं और आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो उसकी जो रोटियाँ हैं वो बनाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है गुलाब की पत्तियाँ, सुखाई हुई गुलाब की पत्तियाँ, इनकी जो डंठल होती है वो मैं निकाल के अलग कर लूँगी। ये मैंने अंदर ही अंदर सुखाई हैं, धूप में नहीं सुखाई हैं, और इनका मैं कुछ बनाने वाली हूँ आज, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। वैसे तो ये आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, अगर गुलाब की पत्तियाँ हम लोग जो ताज़ा गुलाब होते हैं उनकी पत्तियाँ अगर हम ऐसे भी खा लेते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गुलाब। तो यहाँ पर मैंने ये जो पत्तियाँ सुखा के रखे हैं इनको मैं स्किन के लिए भी प्रयोग करती हूँ और ये आँखों के लिए भी अब कुछ बनाने वाली हूँ। ये है चने, ये एक पैकेट चने का ले लिया है मैंने, और ये भी उसमें ही डालूंगी, थोड़ी सी मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ डालूंगी और थोड़े से मैं चने डालूंगी। यहाँ पर चेरी और ये बच्चे यानी कि चीकू और शिवी गाना गा रहे थे, लेकिन चीकू कुछ बोलने वाला था और मुझे देखकर एकदम चुप हो गया कि मम्मी कैमरा लिए खड़ी है, वीडियो बना रही है, तो फिर वो भी साथ में गाना गाने लगा। और दूसरी साइड पे चेरी बना रही है, सॉरी शिवी बना रही है साग सबके लिए, आप लोग भी आ जाना खाने के लिए।
सामने ही इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। देखिए टोकरी रखी है, ट्रैक्टर रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो इन इनके साथ जो खेलते हैं, स्कूटी वगैरह, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है सबने। और अपना एक तरीके से घर का जो सामान होता है वो सब इकट्ठा किया हुआ है। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं खोआ जो हमने आज निकाला है, और इसका क्या बनेगा ये आप सबको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इसका क्या बनने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और अभी बनाऊँगी मैं वो गुलाब के पत्ते और चने से जो मिक्स करके बनाते हैं, वो आँखों के लिए बना रही हूँ मैं, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये चने ले लिए हैं, इसमें मैं डाल लूँगी सौंफ। और ये चीज़ डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची। इलायची जो चाय में यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में इलायची यूज़ होती है और इलायची हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल लिया और इसमें डाली मैंने थोड़ी सी मिश्री, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मिश्री को अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो बादाम है, ये थोड़े से बादाम ले लिए मैंने, वैसे बादाम इसमें ऑप्शनल है, अगर चाहे तो ले, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक बढ़िया सा मिक्सर जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको एक एक चम्मच हमें पानी या दूध के साथ लेना है, गरम पानी के साथ लेना है या फिर गरम दूध के साथ ही लेना है। तो चलिए आप लोग भी, अभी मैंने वैसे इसको ट्राई नहीं किया है, इसका रिजल्ट मैं आप सबको बताऊँगी। मैंने पहली बार ही इसको बनाया है, अगर मुझे कुछ फ़र्क लगा, आराम लगा तो मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय।